जय साथियों, संडे स्पेशल लाइव आता हूँ। आपके ढेर सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब हम लेकर आ रहे हैं। वो सवाल ऐसे हैं जो इस समय व्हाट्सएप और फेसबुक पे तैर रहे हैं, खासकर नया नया आयोग गठित हो रहा है, उसमें क्या क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं, उस नए आयोग से क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कई पुरानी एक ड्राफ्ट है और एक यूँ कह सकते हैं कि एक शासनादेश की पत्रावली है, और उस पत्रावली को वायरल किया जा रहा है, जो कि पत्रावली में न कहीं डेट है, न कहीं हस्ताक्षर है, न कहीं साइन है, न किसी अधिकारी द्वारा वो तैयार किया गया, मतलब कहीं भी उस पर किसी प्रकार कोई चिन्ह नहीं है। और एक और प्रारूप है जो टाइप किया हुआ है और वो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि नया आयोग गठित हो रही है, इन इन शर्तों के साथ गठित हो रही है, ये शर्त होने जा रहे हैं, बीएड वालों को मौके हैं, बीटीसी वाले बाहर हो जा रहे हैं, बीटीसी वाले केवल प्राइमरी में रह जाएंगे, बीएड वाले पूरे और एक से लेकर 12 तक रहेंगे, नई शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान किया जा रहा है, और 1/4 अंक यूपीटेट के जुड़ेंगे और इंटरव्यू होगी नकारात्मक अंक होंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल जो है गूंज रहे हैं और तेजी से वायरल हो रहे हैं। और जैसा कि हम शुरू से भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, या फॉर्म पर लोगों का यकीन भी जल्दी हो जाता है, और ऐसी खबरों को उन्हें लगता है हर खबर कभी कहीं कहीं ना कहीं सत्यता तो नहीं है। तो मैं फिर से इलनी विद्रगेश पर सभी तथ्यों पर बात करूंगा लाइव होकर, और आप इस वीडियो में ढेर सारी बातें जैसे यूपी में शिक्षक भर्ती कब तक, क्योंकि अन्य राज्यों की बात करें तो धीरे धीरे भर्ती का पिटारा खुल रहा है। बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती आप देख ही रहे हैं, और डीएसएसबी भी लगभग 26,000 पदों की बात कर रहा है, 26,000 पदों पर भर्ती करने की बात कर रहा है, और राजस्थान में एक लंबी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी जो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी। तो इस प्रकार हम देखें मध्य प्रदेश में भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो अन्य राज्यों में भर्ती प्रक्रिया धीरे धीरे तूल पकड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कब तक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा। शिक्षक भर्ती की बात करें, शिक्षक भर्ती जो है वो नए आयोग के भरोसे और नए आयोग अस्तित्व में कब तक आए, क्योंकि माननीय न्यायालय माननीय सरकार दोनों इस बात को लेकर प्रयासरत हैं उत्तर प्रदेश में जल्दी से यथाशीघ्र एक आयोग मिले, क्योंकि अभी तक तीन आयोग थी, तीनों आयोग अलग अलग तरीके से काम करती थी, लेकिन अब तीनों आयोगों का अकेले एक नया आयोग करेगा। वो नया आयोग अस्तित्व में आने के बाद क्या क्या नए बदलाव लेकर आ रहा है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे और भर्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी पर एक एक करके हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा, वहाँ आपके लिए निःशुल्क क्लासेज इस तरह से डे बाय डे आपके लिए लेकर आते रहते हैं जब भी मुझे समय मिलता है। और वैसे आपके मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को जैसा कि मैंने फिर से कहा कि अपने सभी साथी मित्रों तक ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। सबसे पहले तो मैं उन प्रश्नों की बात कर लूँगा कि नए आयोग से भर्ती की उम्मीदें कब तक, तो उसके पहले जो पहली लाइन लिखी गई है कि टेट के 1/4 जुड़ेगा, ये पूरी तरह से कोरी अफवाह है, क्योंकि न उस पर हस्ताक्षर है, न साइन है, कुछ नहीं है, और वह ड्राफ्ट जो है वो पुराना है और किसी व्यक्ति विशेष ने बनाकर आयोग को भेजा था, आयोग को मतलब जो आयोग बनाने गए थे उसको उन्होंने ये सुझाव दिया था इस तरह से प्रक्रिया, जैसे आप भी चाहते हैं मेल करना तो कुछ टाइप करें और मेल कर दे, कुछ टाइप करें और मेल कर दे, और इस तरह से जितनी तेजी से वो फैल रहा है, जितनी तेजी से तैर रहा है, उससे एक बात ये स्पष्ट हो जा रहा है कहीं ना कहीं उस पर ही आयोग को हाथ लग जाए और उसको उसी के आधार पर ही पूरी प्रक्रिया बन जाए भर्ती प्रक्रिया। इस तरह अफवाहों को सिर पर न लगाएं आप सभी और जिन लोगों तक ये पहुंच रहा है, क्योंकि छोटे से गलती से वजह से कई लोगों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रही बात टेट के जो है वो कई जगह आप देखें टेट पात्रता परीक्षा है, जैसे अगर हम बात करें चाहे बिहार शिक्षक भर्ती में देख लीजिए, चाहे अभी केवीएस की भर्ती प्रक्रिया हुई, यहाँ तक कि रीट में जो रीट परीक्षा के लेवल पर था वही पात्रता परीक्षा था, तो आप अगर देखेंगे आसपास जितनी परीक्षाएं हो रही है यूपी टेट 68,569,000 तो एक पात्रता परीक्षा है, और माननीय न्यायालय भी बार बार इस बात को स्वीकार कर रहा है ये पात्रता परीक्षा है। अभी आपने देखा 69,000 पे जजमेंट जो आया था आरक्षण को लेकर, वहां पर भी माना गया था कि जो टेट है वो पात्रता परीक्षा है, ये भर्ती से नहीं है, इसका भर्ती से जुड़ाव नहीं है। और अभी है कि क्या अगर नहीं है तो ऐसा उत्तर प्रदेश में हो चुका है, और क्या ऐसा होने की संभावना है, देखिए होने की संभावना कुछ भी हो सकती है, कुछ भी कहा जा सकता नहीं, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे बहुत सारी सवाल क्या होगा ये भविष्य के, उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा जो निमौली में, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको लेनी विद्रगेश के माध्यम से और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से माननीय सरकार की तरफ से अवगत करा दीजिएगा, जो भी होगा पूरे यूपी के अभ्यर्थियों के लोगों के व्यक्ति विशेष समूह विशेष जाति विशेष वर्ग विशेष के लिए नहीं होना है। तो एक बात यह है कि ज्यादा अंकों के लिए तैयारी करिए, कल को हो सकता है कि कोई प्रावधान आ जाए, आपने दुर्गेश सर आपने तो ऐसा कहा था, क्योंकि इतना ज्यादा आप लोग वायरल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब हमको भी डर लग रहा है कि यार ऐसा कुछ हो ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से पात्रता रहेंगे। मैं शुरू से इस बात पर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको वही वीडियो अच्छा लगता है जो आपके लिए बेहतर हो, आपको लगता है। अच्छा, दूसरी हमारी अकेडमी खटेगी, इस पर भी मैं बात करूंगा, अकेडमी को लेकर सवाल बार बार आ रहा है कि अकेडमी खट जाएगी। अभी तक भर्ती प्रक्रिया अगर बेसिक बात करें तो अकेडमिक नहीं हट रही है, न 1/4 अंक का जुड़ाव होगा टेट का, तो ये दो बातें एकदम आपके साफ और स्पष्ट हो गई है। फिर एक और बात है कि नया आयोग भर्ती की उम्मीद कब तक, देखिए नया आयोग की उम्मीद कब तक है, क्योंकि नया आयोग जो है इस जून के अंत तक हर हाल में किसी भी दशा में
नया आयोग अस्तित्व में आ जाएगा, और जब नया आयोग अस्तित्व में आ जाएगा तो उसके बाद गठन प्रक्रिया होगी, उसके बाद तब सबसे पहले टीजीटी पीजीटी एग्जाम और जो हायर एजुकेशन में प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1000 पद हैं उस पर, इन दोनों 4000 पद लगभग टीजीटी पीजीटी और हायर एजुकेशन के जो पद हैं उन पर काम होगा। और अगला जो काम होगा तीसरा यूपी टेट का होगा। एक बात और आ रहा है, यूपी टेट परीक्षा कराने के बाद ऐसा नहीं होगा कि सुपर टेट कराते कराते आचार संहिता लग जाए फिर भर्ती अटक जाए, तो ये भी सवाल है, लेकिन ये भी आपके मन में जो सवाल जन्म लिया। लेकिन अन्य राज्यों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से, जैसे बिहार में और राजस्थान में और दिल्ली में, कहीं ना कहीं यूपी के ऊपर भी दबाव बन रहा है, क्योंकि लोकसभा का एक चुनाव होना है 24 में, और जो आचार संहिता है वो जनवरी से ही आपको प्रभावी हो सकती है। अब कहेंगे सर आचार संहिता जनवरी में कैसे प्रभावी हो सकती है, देखिए चुनाव की तिथि जिस दिन घोषित होती है आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। पूरे भारत में चुनाव है तो 8 से 9 चरणों में चुनाव होगा, तो एक चरण से दूसरे चरण में लगभग एक हफ्ते का अंतर होगा, तो लगभग 1.5 महीने चुनाव चलेगा, उसका परिणाम फिर उसके पहले घोषित करना, तो लगभग 4 महीना लेता है लोकसभा के चुनाव में, एक 4 महीने का गैप मिलता है, मतलब वो आचार संहिता से लेकर वहाँ तक। तो अप्रैल तक जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाती है अप्रैल तक, तो ये माना जा सकता है कि जनवरी में आचार संहिता प्रभावी हो सकती है, तो उसके बाद भर्ती प्रक्रिया हो नहीं सकती। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि उसके पहले टेट और सुपर टेट हो सकता है। अगर टेट होता भी है तो सितंबर दिसंबर तक टेट होगा, तो जो टेट पास है सीटेट पास है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी जी जगह लगा के करते रहे, यही अंतिम अवसर है, यही अंतिम क्षण है। कहीं से भी तैयारी करिए, घर बैठ के तैयारी करिए, सेल्फ स्टडी करिए, पढ़ते रहिएगा, कल को सिलेक्शन हो जाएगा आप मुझे नहीं दे देंगे। और अगर आपने ज्ञान अर्जित कर लिया पढ़ लिया तो वो कोई बांट नहीं सकता, वो आपके पास खुद का ज्ञान आपके पास रहेगा। इसलिए इस पर फालतू का डिस्कस नहीं करना है, हम नहीं पढ़ेंगे, 4 साल से पढ़ रहे भर्ती नहीं आ रही है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, पढ़े या ना पढ़े। एज अध्यापक मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप अध्यापक होते हैं, मैं एक अभ्यर्थी होता तो आप मुझे क्या सलाह देते, बस वही चीजें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आप 18 साल से ज्यादा उम्र की, आप सरकार चुनने का अधिकार रखते हैं, अपने बारे में व्यक्तिगत सोच सकते हैं, क्योंकि आप भी बीटीसी टेट सीटेट बीएड डीएलएड पास हैं, ठीक, कुछ कोई कोई कोर्स आपने करके रखा होगा, इसलिए यह आपके विवेक पर है। लेकिन मैं बार बार कहूंगा पढ़ते रहिएगा, ये साल आपकी भर्ती का साल है। दूसरा, यूपी में शिक्षक भर्ती कब तक आई, मैंने एकदम साफ स्पष्ट कर दिया, यूपी टेट जितना जल्दी होगी उतना जल्दी होगी। और दूसरी चीज, एक नया आयोग एक काम और कर सकती है कि कैलेंडर जारी करेगी, तो कैलेंडर जब जारी होगा तो यूपी टेट के साथ शिक्षक भर्ती का भी कैलेंडर जारी हो सकता है। ध्यान रहे टीजीटी पीजीटी एग्जाम एलटी ग्रेड इन सभी के जो शेड्यूल होगा, जो परीक्षा होगा उसके साथ समय सारणी टाइम टेबल साथ वो भी जारी हो सकता है। इसलिए पढ़ाई करते रहिए, अपने वीक जोन को स्ट्रांग बने, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, मतलब संख्या बहुत ज्यादा होगी लोगों की, समझिए मेरी बात को, क्योंकि टेट सीटेट पास अभ्यर्थी यूपी में बहुत ज्यादा, और यूपी में अलग अन्य राज्यों के भी लोग आके परीक्षा दे सकते, भले आप बिहार जाके न दे पाए, मेरी बात समझने का प्रयास करिए, पढ़ाई करते रहिएगा। एलटी ग्रेड को लेकर बड़ा सवाल, एलटी ग्रेड कब तक आएगा, तो एलटी ग्रेड को ध्यान रखिएगा, एलटी ग्रेड अध्याचन हो चुका है, पद का दौरा रखा गया, बस फर्क यह है कि अभी लोक सेवा आयोग कराएगा या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा या नया आयोग कराएगा, इसी पेच में फंसा हुआ है। तो ये यकीनन आपके पास 60 दिन है, 60 दिन में बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा एलटी ग्रेड कौन करा रहा है। तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो एलटी ग्रेड पे जान लगा दें। इसके जो कॉमन पेपर होते हैं, सामान्य दिन के पेपर होते हैं, हम 21 जून से शुरू कर रहे हैं निःशुल्क सीरीज। अगर आप चाहें तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिएगा, स्पेशल क्लास होगी, उसकी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। ये निःशुल्क क्लास होगा, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो पढ़ना चाहेंगे, सबके लिए पब्लिकली नहीं होगा, मेरी तरफ से निःशुल्क क्लास होगा। पेपर फर्स्ट, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा एलटी ग्रेड में सीटें खाली रह गई, लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जैसे गणित की बात करें, साइंस की बात करें, महिला अभ्यर्थी इसमें पीछे रहेगी, जबकि सिविल परीक्षाओं में देखें तो महिला हमेशा अव्वल रहती हैं। तो इस बात के लिए हम आगे बात करेंगे, एलटी ग्रेड कट ऑफ क्या रहा, कैसे क्या होता है। टीजीटी पीजीटी में लगभग 13 लाख आवेदन हुए और लगभग 4000 पद है, तो इसके बाद फिर से टीजीटी पीजीटी का पद आ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों में लगातार 2 बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हुई है, तो इससे ये बात भी स्पष्ट है। तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम होने जा रहे हैं, तो जो अभ्यर्थी है सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी में ये सोच रहे सर पहले कौन सा होगा, तो पहले टीजीटी की एग्जाम होगी, पीजीटी एग्जाम होगी, ये बात लीजिए, मतलब एक स्पष्ट मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। दूसरा आ रहा है कस्तूरबा गांधी को लेकर, कस्तूरबा गांधी का आवेदन अलग अलग जनपदों में आ रहा है, और इस पर भी मैं बता दूं पूरी, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं सर काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे। इस पर देखिए कुछ फर्जी कॉल्स भी आते हैं, जैसे फॉर्म भरते हैं तो आपके नंबर मिलते हैं, लोग फोन करके कहते हैं ये पैसा दो, ये कर दो, वो कर दो, इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, करप्शन से पूरा पूरा बचने का प्रयास करिएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। आप जहाँ पे कॉल है आप ऑफिस में जाइए, जो डॉक्यूमेंट आप भेजते हैं उसी डॉक्यूमेंट की 3 प्रतियाँ बनाइए, तीन प्रति बनाने के बाद 1 प्रति ओरिजिनल अपने पास लेकर जाइए, ठीक, ओरिजिनल कॉपी का वेरिफिकेशन होता है, उसी को कहते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया। इंटरव्यू प्रक्रिया कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, तो उसी काउंसलिंग के आधार पर अगर आपके मेरिट है तो आपको शॉर्टलिस्ट करके लास्ट में चयन सूची जारी कर दी जाएगी। तो जो डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए, डीएलएड बीटीसी
मतलब बीएड लगता है, बीएड लगता है, टेट पास लगता है, जूनियर टेट, तो जूनियर टेट लगा दिया, अब हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन बीएड की मार्कशीट हो गई, फिर जाति प्रमाण पत्र अगर जाता है तो जैसे सामान्य छोड़कर ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, गेजेटेड ऑफिसर के आपके पास मेडिकल वो चैत्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, मेडिकल नहीं चैत्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट आपके पास एक पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, कुछ छूट तो नहीं रहा ना, मतलब जितनी चीज़ आप फॉर्म में भरते हैं वो सब आपको जरूरत पड़ेगा, आईडी होनी चाहिए आपके पास, फोटो वाली आईडी प्रूफ होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइए, ठीक। उसके बाद मौके उसमें मिलते हैं और जाने के बाद वेरिफिकेशन होगा, उसका शॉर्टलिस्ट जारी होगी, आपके चयन सूची में नाम है तो आपको कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां, ठीक है। क्योंकि ये शुरुआत है, क्योंकि यहाँ आपको नहीं रुकना है, आपको रुकना है एक सरकारी शिक्षक और शिक्षिका के रूप में, ये तो एक तरह से देखा जाए संविदा पे है, लेकिन हम चाहेंगे आप रेगुलर बेस पे शिक्षक और शिक्षिका बने, तो इसलिए अपनी लड़ाई लड़ते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो टीजीटी पीजीटी और रियलिटी ग्रेड पर फोकस करिए, ये आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए अपना बेहतर और बेस्ट देते रहिएगा। दूसरी बड़ी बात है, कस्तूरबा गांधी के लिए कॉल आई थी बनारस से लेकर, तो मैंने एकदम स्पष्ट बता दिया, अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और इंजीनियरिंग मित्र के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। ऑफिस के नंबर है मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, वो नंबर आपके काम आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के नोट्स भी आपको उपलब्ध हैं, चाहे तो आप घर बैठे ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एक नंबर है जैसे नोट संबंधित 6306344367, तो यहाँ नोट संबंधी जो भी जानकारी चाहिए वो आपको पूरी पूरी मिल जाएगी, बिहार शिक्षक भर्ती हो, सुपर टेट हो, एल टी ग्रेड हो, टी जी टी पी जी टी यूपी टेट की नोट संबंधी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर कस्तूरबा गांधी संबंधी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो एक नंबर इलेनिबी दुर्गेश का, इस पर केवल व्हाट्सएप हो पाएगा, इस पर व्हाट्सएप कर देंगे, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये कस्तूरबा गांधी जुड़े हुए अन्य किसी से जुड़े अपना नाम और जिला भेजिएगा, ये नंबर इलेनिबी दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, इस पर आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हो, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश्वर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, और इलेनिबी दुर्गेश आएगा, उससे आप ज्वाइन, जैसे आप दुर्गेश सर्च करके इलर्निंग पे दुर्गेश को ज्वाइन करेंगे, आपके पास डेली क्लास की लिंक, नोट्स, वीडियो सब कुछ आपके पास आती रहेगी। उसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल, कोई प्रश्न हो, कमेंट कर सकते हैं। डीएसएसबी को लेकर यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था, लोगों ने पूछा सर क्या होगा, तो डीएसएसबी की तैयारी करते रहिएगा, वहाँ पे नकारात्मक अंक नहीं है, 200 नंबर की परीक्षा होती थी, अभी तक वहाँ पे नकारात्मक अंक नहीं है, आगे क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन अभी तक विज्ञप्ति तक ये बात स्पष्ट है, आप अपनी तैयारी रखिए। वहाँ पे क्या होता है, प्रश्न ज़्यादा होते, समय कम होता है, वहाँ पे जितना प्रैक्टिस होगी जितना बेहतर उतना बढ़िया आप दिल्ली में सिलेक्शन ले पाएंगे, और दिल्ली का वेतन यूपी से ज़्यादा है, मैं जौनपुर कहने जा रहा था, सॉरी। तो ये चीज़ें मैंने आपको एकदम स्पष्ट बता दी, बिहार शिक्षक भर्ती भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और दिल्ली की जो भर्ती शिक्षक भर्ती है उन सभी पर मैंने यहाँ पे चर्चा कर लिया। फिर भी अगर कोई प्रश्न, कोई सवाल यहाँ पे लग रहा है, छूट रहा है, तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोई राय हो, कोई व्यक्तिगत राय हो, अगर आप चाहते हैं कोई राय देना, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी अफवाहों से दूर रहिएगा, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपको अफवाहों में बात के रखते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो फैक्ट चीज़ें होती हैं, जो अखबार में आती है, उन्हीं चीज़ों को हम आप तक पहुँचाते हैं, डिलीवर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी प्रकार से डिस्टर्ब रहें, अफवाहों के घेरे में रहें। अपनी तैयारी करते रहिए, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके ऊपर है, अपना बेस्ट और बेहतर दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, एक बड़ा भाई, एक मित्र, एक छोटा भाई, एक परिवार का हिस्सा समझकर कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। अलग अलग तरह, कभी बीएड बीटीसी का विवाद, कभी कुछ तरह विवाद, हमेशा आप कोई ना कोई ऐसी अफवाह आती रहेगी, आप परेशान रहेंगे। आप एक सूत्री कार्यक्रम करिए, केवल पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या कम है और इस तरह के लोगों की संख्या ज्यादा है। तो आप लोग जो हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो लर्निंग विद दुर्गेश पे पढ़ रहे हैं, मुझे इस बात का पूरा भरोसा यकीन है, आप हमेशा बेस्ट और बेहतर के लिए पढ़ते हैं। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, इसके अलावा यूट्यूब चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश सर, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जो न्यूज संबंधी सूचनाएं होती हैं वो स्टडी विद दुर्गेश सर पे मिलेंगी, बाकी जो क्लासेज चलती हैं वो इलर्निंग विद दुर्गेश पर डे बाय डे आपके लिए चलती रहेंगी। अभी कोई भी प्रश्न हो, कोई सवाल हो, पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी की एक सवाल आ रहा सर, एनसीईआरटी की नोट्स को लेकर, बिहार शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, सबके लिए एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है, तो एनसीईआरटी की नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, एनसीईआरटी कि सभी नोट्स इलर्निंग विद दुर्गेश पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है, जो 6 से लेकर 12 तक के लिए, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, घर बैठे प्राप्त भी कर सकते हैं। वैसे फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल बन जाता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपकी राय क्या है, मैं आपसे फिर पूछूंगा। टेट का 1/4 जुड़ेगा, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पास क्या इसके तथ्य हैं, अफवाहों को छोड़कर नए आपसे भर्ती की उम्मीद क्या है, नकारात्मक नहीं होगा, नए आयोग में सुपर टेट को लेकर कयास लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएम शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, इसमें आपका क्या रहा है, मैंने तो आपको बता दिया, टेट होगा, सुपर टेट होगा, पहले टीजीटी पीजीटी होगा, सुपर टेट होगा, एलटी ग्रेड होगा, इन सभी पर मैंने एक एक करके सारी बातें स्पष्ट कर दी। फिर भी संस्कृत में संविधान शिक्षक भर्ती होनी थी, उस पर भी अभी विज्ञप्ति एक आई थी, शासनादेश आया था, लेकिन विज्ञप्ति नहीं आ पाई, जैसे विज्ञप्ति आती वो भी हम आप तक पहुंचा देंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, ये साल आपके
सिलेक्शन का साल है, ये साल आपके जीत का साल है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आपके रेस के घोड़े और आपकी रेस हमेशा सिलेक्शन से थी, सिलेक्शन से और सिलेक्शन से रहेगी। वीडियो को शेयर करते रहिए, पर दिन क्लास में बने रहिएगा। रात 9 बजे हिंदी की स्पेशल सीरीज ला रहे थे, जल्दी जीएस की सीरीज ला रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए तो नहीं है लेकिन एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी, बीओ, आरओ, एआरओ और बीपीएससी, इन सभी परीक्षाओं के लिए स्पेशल क्लास हम लेकर आ रहे हैं जो कि जीएस की प्रॉपर सीरीज होगी। 1 से 2 दिन में मैं इसका ऐलान भी कर दूंगा कितने बजे आएगी, तो आप सभी लोग इसके साथ जुड़कर पढ़ें और अपना बेस्ट और बेहतर दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। जब भी तक उम्मीदें हैं हमारे साथ, हम जुड़े रहेंगे, निःशुल्क शिक्षा हम आपको देते रहेंगे। जब भी मुझे समय मिलेगा, अपने समय में हम आपको बेहतर करने और देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्ड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 7355179012। आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप